बिग बॉस के घर में आखिर कितने दिन तक कोई बच्चा बनकर रह सकता है, क्यूट बनकर रह सकता है। शहनाज को भी सब क्यूट मानते थे, लेकिन भाई शहनाज के साथ भी सबकी कड़ी टक्कर हुई है, हाथापाई तक हो गई है। बिग बॉस में कुछ भी कभी भी हो सकता है, यही बात अब अब्दुल रोजिक के लिए भी लागू होती है। भले ही वो क्यूट हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी क्यूटनेस के चलते कोई उन्हें आगे चल के गेम में सीरियसली नहीं लेगा, कोई उन्हें उनके साथ बहस नहीं करेगा, उन्हें उनके साथ आर्ग्यू नहीं करेगा। बिकॉज थोड़े दिन तक आप प्रिटेंड कर सकते हो, हमेशा के लिए नहीं कर सकते। अब्दू भी कई बार गलत होंगे आगे चल के, तो उन्हें भी समझाना जरूरी है। लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूं कि अब्दू ने एक मजाक किया और वो मजाक उन्हें भारी पड़ गया। जी हाँ, उस मजाक से घर में बवाल मच गया है, क्योंकि शालीन भनौत को गुस्सा आ गया। अब्दू रोजिक ने एक मजाक से बात की शुरुआत की, मजाक मजाक में बात कहां से कहां पहुंच गई। मजाक शुरू हुआ प्रोटीन को लेकर, शालीन भनौट के प्रोटीन क्वांटिटी पर, कि आखिर कितना प्रोटीन शालीन लेते हैं और यू नो बिना प्रोटीन के उनका गुजारा नहीं होता, दिन भर चिकन प्रोटीन चिकन प्रोटीन चिकन प्रोटीन उनका यही चल रहा होता है। बिग बॉस ने भी कह दिया था शालीन यार चिकन लो अपना और ऑडिशन बंद करो। सो इसके बाद अब अब्दू ने भी उसी चीज पर मजाक किया, लेकिन वो मजाक शायद बहुत भारी पड़ गया। चलिए आपको दिखाते हैं। If I'm not eating, my protein become down after I'm dying. Please, 4 minutes chicken. If not, I'll 4 minutes protein after I'm dying. 4 minutes chicken. जिसको मेडिकल कंडीशन होता है वो लेता है वहाँ सब प्रोटीन 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 और मजाक बना के रखा हुआ है। ये सब मैं नहीं करती। बात बोली कि प्रोटीन हर बॉडी को जरूरत होती है, इसमें गलत क्या बोला मैंने? मैं बोल रहा हूँ आपकी मेडिकल कंडीशन का किसी ने कोई मजाक नहीं उड़ाया। दूसरों का मजाक उड़ाया। वैलिड बात कर रही हूँ हमेशा। मेडिकल कंडीशन का किसी ने कोई मजाक नहीं उड़ाया। आपकी तरह नहीं हो तो दूसरों का मजाक उड़ाया। दूसरों का मजाक नहीं उड़ाती। वैलिड बात कर रही हूँ हमेशा। तुमने से पूछे बकवास किए। पहले बकवास करना आता है तुमको, इसके अलावा कुछ आता भी नहीं है तुमको। अगर वैलिड बात करनी आती होती ना तुम कहीं और होती। जिसने मजाक उड़ाया उसका बता रहा हूँ। कुछ इस तरीके का बवाल घर में मचा है, जो कि आपने क्लियरली बड़े एविडेंटली इस पूरे प्रोमो में देख लिया अब तक। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में, कि आपकी नज़र में कौन गलत है। क्या अब्दू ने जिस तरीके से शालीन का मजाक उड़ाया उसके बाद सबने हंसना शुरू किया, तो ये लड़ाई वहां से शुरू हुई। आपके नज़र में कौन गलत है बताइएगा।